तो यहाँ बन रहे हैं पकौड़े और यहाँ मैं हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग टाइम से और अभी टाइम हो गया 4:30। हम 4 बजे जो है दोनों हॉस्पिटल से निकल गए थे, लेकिन देखो इतनी बारिश हो रही थी रूम तक नहीं जा पा रहे, तो चलो देखते अब कैसे जाते। अम्ब्रेला तो आज हम लाए नहीं है, तो जाना ही पड़ेगा। तो अभी टाइम हुआ है 5 बजने वाले हैं और बारिश बहुत तेज़ हो रही है बाहर तक। तो जहाँ पे मेन रोड है वहाँ तक तो हम मैम के साथ आए थे हॉस्पिटल से, मैं और मन्नू, बट वहाँ से आगे हमने काफ़ी देर तक वेट किया, 20 मिनट तक बारिश बिल्कुल भी कम नहीं हो रही, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो बस हम आ गए दौड़ दौड़ के और पूरे गीले हो गए, पूरी ड्रेस मन्नू की भी मेरी भी। आज छतरी नहीं लेके गई थी, पता नहीं कैसे भूल गई मैं, वरना मेरे पर्स में पड़ी होती थी। और मन्नू की जो बुक्स है वो भी थोड़ी सी गीली हो चुकी है, देख सकते हैं यहाँ पर कैसे रखी हुई मैंने। तो और मन्नू की फरमाइश थी कि उसको खाने हैं आज पकौड़े, क्योंकि आज मौसम हो रहा है बड़ा ही सुहाना। तो मन्नू जो है मौसम के हिसाब से चलती है। तो आलू ख़त्म हुए थे, आलू लाई हूँ और प्याज लाई हूँ ताकि उसके लिए पकौड़े बनाऊँ। और ये मैडम जी लाए हैं यहाँ पर दूध, क्योंकि दूध नहीं था। थैंक यू। मैं तो आपको कॉल से गिल्ली होगी तू भी नहीं, तो बताया क्यों नहीं यार। तो मन्नू की ड्रेस हो गई थी बहुत गंदी और गीली भी हो गई थी, तो मैं यहाँ पे वॉश कर रही थी और मन्नू बड़ा ही उससे लगी हुई मेरे साथ, बोलते मुझे बड़ा अच्छा लगता है वॉश करना। मैं कहा चलो ठीक है तुम भी वॉश कर लो। पुष्पा है, छूटेगा नहीं। थाला बाल का नहीं हो गया, थाला बस हो गया, अब जाओ आपने। तो यहाँ पर मैंने मंगवाया था मीशो से एक पार्सल और यह है कंटेनर, तो देखते हैं कैसे आए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इक्वल और सेम कलर के बॉक्सेस रखूँ दाल वगैरह के लिए, तो मैंने ये उसी के लिए लाए हैं जो भी दाल मसाले होते हैं। ये 24 है टोटल, तो सबके अंदर फिर 3-3 बॉक्स है। तो यहाँ पर मन्नू को कुछ काम दिया था, होमवर्क दिया था इसको घर के लिए, बोला था पेस्ट करनी है पिक्चर, बट नहीं थी पहले भी, मन्नू ने मुझे नहीं बताया, तो अब मैं कहाँ से लाऊँ रात को। तो किट्टी को बताया और किट्टी बहुत अच्छी ड्राइंग करती है, तो उसने ड्रॉ कर दिया था यहाँ पे। और ये बनाना था, एक बनाया है फायर स्टेशन और क्या बनाना था, हाँ एक बनाना था हॉस्पिटल। तो देखो कितने अच्छे से बनाया है किट्टी ने, देखिए। बाल पीछे करो बेटा। सुंदर पंख कहाँ से लाई हो, क्या तुम राजकुमारी हो जो परी लोक से आई हो, फूलों के तुम रंग चुराती, पास किसी के क्यों नहीं आती। तो ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से कलर भी कर दिया है किट्टी ने और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा जो किट्टी ने ड्राइंग की है मन्नू के लिए, और मन्नू बहुत खुश हो रही है। किट्टू को टॉफी दी जा रही है, एक मेरे को भी चाहिए टॉफी, दे दो ना। मैं को कौन देगा टॉपी, अपने हेयर पीछे करो। कोई बात नहीं आप खा लो, नहीं तो मुझे भी दोगे क्या? बात नहीं, हमेशा बांट के खाना चाहिए, शेयर करना चाहिए सबको। दो मैं तोड़ू, ये रो बाबूआ
देखना कैसे दिख रही। थैंक यू बेटू माँ बच्चा। तो यहाँ बन रहे हैं पकौड़े और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। टेस्टी टेस्टी। ये तो मानवी शर्मा की फरमाइश। भाई मैंने दीदी को बोला कि कड़ी चावल बनाना, तो वो बंदी ने 2-3 दिन बाद बनाए और मानवी ने अभी कहा तो तुरंत बन गए। कैसा बना है? अच्छा टेबल यम्मी। तो ये पार्सल मेरा थोड़ी देर पहले ही आया है, तो ये भी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने प्लिक्स से ऑर्डर किया था और ये प्रोडक्ट मैंने तो आज तक यूज़ नहीं किए हैं, बट नेहा ये यूज़ करती है, मेरी छोटे वाली सिस्टर। तो उसने मुझे बोला कि ये बहुत ही अच्छा जो है इफ़ेक्ट करते हैं फेस पे, तो जैसे पिगमेंटेशन हो गई है मेरे थोड़े फेस पे, चिक्स पे, तो उसने बोला कि ये बेस्ट है तो तुम भी इसको यूज़ करो। तो मैंने बोला ठीक है मैं भी यूज़ कर लेती हूँ, तो मैंने ये मंगवाया है। तो अब देखते हैं, अब से मैं इसको ट्राई करूँगी और देखिए इसमें इतना अच्छे से इन्होंने पैकिंग की है और प्रॉपर इसमें पूरा उन्होंने डिटेल दी है। और देखिए, और ये है सिर्फ 1200 समथिंग, मतलब 11 समथिंग का था, 1200 का ही समझ लो। तो देखिए इसमें आया है सबसे पहले ये फेस वॉश, और फेस वॉश के बाद है इसमें ये प्लिक्स का मॉइस्चराइज़र, और इसके बाद है इसमें प्लिक्स का सीरम, फेस सीरम, और उसके बाद है प्लिक्स का वो टोनर, फेस टोनर। शायद मैंने आगे पीछे कर दिया होगा, बट हाँ इसमें ये चार चीज़ें हैं। और मैंने पहले यूज़ किया है, जब नेहा आती है तो मैं नेहा की यूज़ करती हूँ, और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट है ये। बाकी मैं भी अब से यूज़ करूँगी तो बताऊँगी मैं आपको, 1 महीने बाद इसका रिव्यू दूंगी कि ये मेरे फेस पे असर किया है इसने या नहीं किया है। बाकी आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और आई नो काफ़ी टाइम बाद मेरा ये ब्लॉग आ रहा है। बाकी आप मुझे सजेस्ट करना कि नेक्स्ट मैं ब्लॉग क्या लेके आऊँ, आप क्या देखना पसंद करोगे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ एंड हेल्दी, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।